हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एजुकेटर। आवर टॉपिक इज, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो जो कि आपका है, ये क्लास 10 मैथमेटिक्स चल रहा था, एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है। तो उसका इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था, इंट्रोडक्शन में कुछ पोर्शन अभी भी बाकी है। ओके, सो बेसिकली हम लोग पढ़े क्या थे इसमें, देखो जैसे कि रियल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होता क्या है। ओके, सो ये देखे थे कि रियल नंबर्स होता क्या है, रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन सा नंबर आता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज यूक्लिड्स डिवीशन लेमा, यूक्लिड्स डिवीशन लेमा, वो लेमा का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो हम लोग देखे थे, अच्छे से समझे थे। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि यूक्लिड्स का वो डिवीशन लेमा यूज़ करके कुछ दो नंबर्स का, या फिर दो से अधिक भी नंबर हो सकता है, उसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है, जो आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये होता क्या है। तो पढ़ो पहले कि थ्योरम में लिखा क्या है। Every composite number can be expressed, which is factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Basically, बोला क्या गया है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर, हर एक नंबर जो होता है ना, उसको हम लोग एक प्रोडक्ट, प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मानो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 24, 24 का प्रोडक्ट होता क्या है, 24 का पहले तो फैक्टर क्या क्या होता है, तो हम लोग 24 का फैक्टर निकालेंगे। ओके, सो 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, सो बेसिकली 2 into 2 into 2 into 3 ये होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3, क्योंकि 3 2s है ना। तो ऐसे ही मानो दूसरा एक नंबर मैं लेती हूँ, जो कि आपका है, सपोज आपका वो नंबर आप मानो 50 है। ओके, सो 50 का क्या होगा, 50 का 2 25s are 50, 5 5s are 25, विच इज 2 into 5 into 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5 to the power 2, विच इज 5 square। ओके, तो इसको हम लोग, तो यही बोला गया है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये जो 2 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 का जितना पावर हो रहा है या फिर 5 का जितना पावर हो रहा है, ये तो 2 या फिर 5, ये तो प्राइम नंबर है ना, तो उसका प्रोडक्ट होता है। सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ओके, सो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये बोला गया है इसमें कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हर एक कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। ओके, सो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। देखो बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो देखो पहले तो 6 and 20 का हम फैक्टर निकालेंगे। सो 6 का कितना होता है 2 into 3, 20 का कितना होता है कर लो साइड में 2 10s are 20, 2 5s are 10, विच इज 2 into 2 into 5। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 square into 5 लिख सकते हैं ना। तो अब HCF एंड LCM होगा कैसे, देखो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, HCF का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2। अब इसमें आपको क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, आपको सबसे छोटा, सबसे कम जो पावर है वो लेना है, मतलब कि 2 का पावर कम कितना होगा यहाँ पे 2 to the power
वन, क्योंकि यहाँ पे भी एक टू है और यहाँ पे भी एक, तो स्मॉलेस्ट एक ही बार टू है, तो इसका एच सी एफ वैसे कितना हो जाएगा, एच सी एफ इसका हो जाएगा टू। ओके, लेकिन अगर हम लोग मानो कि एल सी एम निकालेंगे कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर देती हूँ एल सी एम, और इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ दी। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCF में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, लेकिन LCM में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यहाँ पे कॉमन का बात नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी है आपको लेना है, एक तो ग्रेटेस्ट पावर आपको लेना है एंड उसके साथ साथ जो भी प्राइम फैक्टर रहेगा उसको आपको लेना है, तो उस हिसाब से टू स्क्वायर इंटू थ्री इंटू हो जाएगा फाइव एल सी एम, सो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी। ओके, सो मैं फिर से और एक बार बता रही हूँ कि सिक्स एंड ट्वेंटी। ओके, या फिर मैं दूसरा कोई नंबर ले लेती हूँ, सपोज आप मानो कि दूसरा एक नंबर दिया हुआ है टेन एंड थर्टी। ओके, ये दो नंबर का हमें एच सी एफ एंड एल सी एम निकालना है, सो टेन का पहले तो फैक्टर क्या हो जाएगा, टू इंटू फाइव, एंड थर्टी का कितना हो जाएगा, टू फिफ्टीन ज थर्टी, थ्री फाइव ज फिफ्टीन। ओके, सो इसमें एच सी एफ इसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी, हम लोग क्या देखे थे कि स्मॉलेस्ट जो आपका पावर है प्राइम नंबर की, वो स्मॉलेस्ट पावर की प्रोडक्ट वो हो जाएगा आपका एच सी एफ। मतलब इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको तो आपका तो एक टू आ रहा है और एक आ रहा है आपका फाइव, इसका मतलब टू इंटू फाइव ये आपका हो जाएगा एच सी एफ, एंड देन एल सी एम आपका कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन का कोई बात नहीं है, इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर एंड उसके साथ साथ जो भी प्राइम नंबर है आपको लेना है, सो टू का तो टू एक हो जाएगा एंड देन उसके बाद थ्री इंटू फाइव विच इज थर्टी, तो थर्टी आपका हो जाएगा एलसीएम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। सो नेक्स्ट देखो क्या है, लेट थियोरम है एक, ये जो थियोरम है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ओके, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेर इज ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बोला क्या गया है कि पी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो पी का मतलब हम मान लो कि थ्री है, थ्री एक प्राइम नंबर है क्योंकि थ्री का फैक्टर क्या क्या होता है, वन एंड थ्री। ओके, सो इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अब मानो थ्री ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए का मतलब हम लोग नाइन मान लेते हैं। अब नाइन स्क्वायर का कितना होता है, नाइन स्क्वायर एटी वन, तो बोला गया है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब कि अगर थ्री ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जैसे कि यहाँ पे है कि थ्री एट्टी वन को डिवाइड करता है, क्योंकि एट्टी वन बाई थ्री अगर आप करते हो तो कितना आता है, ट्वेंटी सेवन, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, तो ए कितना है, नाइन, तो डेफिनेटली नाइन बाई थ्री विच इज थ्री। तो अगर ऐसे, ये थ्योरम है, बस इतना ही है, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको नेक्स्ट थ्योरम में देखने को मिलेगा। सो लेट पी अ प्राइम नंबर, मानो कि पी एक प्राइम नंबर है, अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को देन पी ए को भी डिवाइड करता है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया है, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, हमें प्रूव करना है कि रूट थ्री इरेशनल है। पहले तो रूट थ्री इरेशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल है आप लोगों को पता है, लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे कि रूट थ्री इरेशनल है। ओके, सो देखते हैं, जो बोला गया है हम उसका उल्टा मान लेंगे, मतलब कि बोला गया है कि रूट थ्री इरेशनल है, सो लेट रूट थ्री इज रैशनल नंबर, हम लोग उल्टा मान लिए, रूट थ्री को रैशनल नंबर मान लिए। ओके, अब देखो रूट थ्री अगर रैशनल नंबर होता है तो रूट थ्री को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में इसको लिख सकते हैं।
ओके अब इसमें आपको याद रखना है कि पी बाई क्यू फॉर्म में हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे पी एंड क्यू ये जो है ये आपका हो जाएगा को प्राइम का, वो आपका हो जाएगा कॉमन फैक्टर वन होगा, वन अदर देन वन उसका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा, तो पी एंड क्यू को प्राइम हो जाएगा। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री क्यू इज इक्वल्स टू पी। सो इसको बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ओके सो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ओके अब देखो पी स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि पी स्क्वायर क्यू से भी डिवाइड हो रहा है। ओके तो यही था ना पिछले जो थ्योरम में था कि अगर मानो कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, दूसरे नंबर के स्क्वायर को, तो इसका मतलब है वो नंबर भी जो नंबर डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को उससे डिवाइड होता है। ओके ऐसा था ना थ्योरम। ओके सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर के जगह पे कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी आप नंबर ले लो, तो वो थ्री से डिवाइड होगा या फिर क्यू से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि पिछला जो थ्योरम था यही बताया गया था कि मानो कि एक नंबर है ए, अगर वो दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, सपोज बी स्क्वायर, बी एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो डिवाइड करता है, इसका मतलब बी को भी वो डिवाइड करेगा। ओके सो पी के बदले में, पी के जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, थ्री सी, पी इज इक्वल्स टू, मानो कि p इज इक्वल्स टू थ्री सी ले रहे हैं। ओके p के जगह पे, सो थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, p के जगह पे थ्री सी ले लिए, देन थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन सी स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर, क्योंकि थ्री थ्री जा नाइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर, ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या है, क्यू है ना, ये जो क्यू है ये थ्री से, ये इसका एक फैक्टर थ्री है, क्योंकि ये थ्री से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मानो हम लोग ने क्या देखा था कि एक नंबर अगर डिवाइड होता है तो उसका जो स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर डिवाइड अगर होता है तो थ्री उसका नंबर भी वो डिवाइड कर सकता है, इससे पिछले वाला थ्योरम। तो क्यू स्क्वायर उस हिसाब से क्यू का एक फैक्टर जो है वो थ्री भी होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि एकदम फर्स्ट जब हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ्स, तो पी एंड क्यू को रैशनल नंबर लेट किए थे। ओके जिसमें कि पी एंड क्यू को लिए थे को प्राइम। तो को प्राइम इसमें तो क्यू का फैक्टर थ्री आ रहा है, तो को प्राइम कैसे हो गया, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये जो इसका जो स्टेटमेंट जो रिजल्ट आया है ये स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि वो को प्राइम हम लोग ने लिया था लेकिन इसमें क्यू का एक फैक्टर निकल के आ गया। तो क्यू का तो वन छोड़ के दूसरा कोई फैक्टर हो नहीं सकता पी एंड क्यू का, तो थ्री कहाँ से होगा। इसका मतलब ये जो है हम लोग ने जो लेट किया था कि रैशनल नंबर है वो गलत है। सो हेंस प्रूव्ड कि रूट थ्री, हेंस प्रूव्ड कि रूट थ्री इज इरैशनल। ओके चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा देखो ये थ्योरम में क्या बोला गया है कि थ्योरम क्या है पढ़ो, लेट एक्स बी आर रैशनल नंबर हूज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। तो एक मानो 3/8 हमने ले लिया एग्जांपल, इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो क्या निकल के आएगा देख लेते हैं, 8.0, 8 3 24 एंड देन 6 0 8 7 56, ओके एंड देन 4 0 8 5 40, ओके सो 0.375 आ रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। अब इसको आपको ऐसा एक फॉर्म में लिखना है जहाँ पे
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में होगा 2 to the power n इंटू 5 to the power n m। हो सकता है 2 to the power n के फॉर्म में हो सकता है 5 to the power m के फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में हो, जहाँ पे n एंड m पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ओके तो 3y इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 विच इज 3/2 cube। ओके सो वो फॉर्म में आ गया। अब इसमें दूसरा एक नंबर ले लो, सपोज आप दूसरा एक नंबर आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे नीचे में आप ले सकते 80। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो टर्मिनेटिंग देख लेते हैं 7 and 80, सो 0.000, सो 80 8 = 640, सो 06, ओके देन 07 560, देन 400 विच इज 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 400 आ जाएगा। सो 0.085 आ रहा है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है। अब इसको हम लोग 80 को फैक्टराइज करते हैं 80। ओके सो 80 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 240 = 80, 220 = 40, 210 = 20, 25 = 10, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 5 = 18। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 into 5। ओके तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो 2 to the power n, अगर दूसरा आप कोई नंबर देखोगे तो उसमें देखोगे कि 5 to the power m का फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि 5 के ऊपर कुछ भी पावर आ रहा है। तो यही बेसिकली ये थ्योरम में बोला गया है। नेक्स्ट देखो, इसमें उल्टा कहा गया है कि p by q एक रैशनल नंबर है, जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन q जो हो रहा है वो 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में है। ओके सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट्स होगा, मतलब कि ओके सो देखो x = p/q एक रैशनल नंबर होगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन q का 2 to the power n एंड 5 to the power m फॉर्म में होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। ओके लेकिन अगर आप मानो इसका उल्टा हो गया कि उस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power n एंड 5 to the power m फॉर्म में नहीं है, उल्टा देखोगे, मानो कि आपने 1/7 एक एग्जाम्पल लिया, तो ये 2 to the power n या फिर 5 to the power m ये कुछ भी फॉर्म में नहीं है। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका जो डिवीजन आएगा ना वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फॉर्म में आएगा, क्योंकि नहीं होगा। ओके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट होते चला जाएगा, क्योंकि 7 तो बेसिकली आपका 2 to the power n या फिर 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। तो अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही नहीं होगा। ओके सो इसका जो ऑपोजिट देखना है आपको, कि ऐसा एक नंबर है जिसका मानो q, q मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो एक ऐसा फॉर्म में है 2 to the power n इंटू 5 to the power m, या फिर 2 to the power n 5 to the power m, या फिर दोनों को मिक्स करके ये फॉर्म में होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। ओके सो नेक्स्ट जो थ्योरम है देखो, ओके सो ये बेसिकली आपका लास्ट थ्योरम है, लेट x = ओके तो इसमें देखो ये जो थ्योरम है इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो कि इसमें क्या था, वो पिछले थ्योरी में ही इसमें रिपीट हो गया था, तो इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया। जो आपके बुक्स का बुक्स के फर्स्ट चैप्टर जो है उसका जो लास्ट थ्योरम है वो है ये कि लेट x = p/q, जहाँ पे p एंड q को प्राइम है। सपोज p एंड q आप मान लो कि 3/5, अच्छा बोला गया है कि 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा, ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m। तो ऐसा कोई नंबर आप ले लो, जैसे कि मानो 3/7, ये 2 to the power n एंड 5, मतलब कि क्यू इसका जो है ये 2 to the power n 5 to the power m इस फॉर्म में नहीं है। तो अब इसको इसका जब आप डेसिमल फ्रैक्शन निकालोगे ना तो तब आप देखोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, मतलब कि ये खत्म नहीं हो रहा है, एंड उसके साथ साथ ये रिपीट भी होते जा रहा है। ओके
सच अ पॉइंट के बाद, सच अ टाइम के बाद ये रिपीट होते जाएगा. ओके सो ये था आपका जितना भी क्लास टेंथ रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन पोर्शन था वो मैंने आज करवा दिया. सो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन रहा, क्वेरीज रहा, डाउट्स रहा, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो. एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करना. सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि इस चैनल में मैथ्स के साथ साथ दूसरा भी जो सब्जेक्ट्स है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एकदम 6th से लेकर 12th तक. सो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर लेना. एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला.